एक क्विक डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये व्लॉग मैंने शूट किया था जनवरी मंथ में, एंड अभी मंथ है मार्च। तो मार्च में जैसा आप लोगों को सबको पता है, कोविड-19 का जो इश्यूज चल रहा है, इसके वजह से गवर्नमेंट ने 21 डेज का लॉकडाउन दिया हुआ है। ये लॉकडाउन के दौरान आप लोग सब घर पे सेफ रहिए, ताकि गवर्नमेंट जो बोले वो रूल हम फॉलो करें। हम लोगों को हमारा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, बाहर घूमना नहीं चाहिए, जितना ट्राई करो इमरजेंसी के अलावा कोई काम से बाहर ना निकले, और ये व्लॉग एंजॉय करो। ये डिस्क्लेमर देने का रीज़न ये है कि ताकि लोग मुझे ये ना समझे कि यार ये देख यहाँ पे लॉकडाउन चालू है और ये बंदा घूम रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ। चलिए एंजॉय करते हैं व्लॉग को, एंड आज का जो व्लॉग है उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 20 डे 6 है, आज 14 जनवरी 2020। अभी मॉर्निंग अराउंड 8:30 को उठा था, ब्रेकफास्ट सब होके 11 o'clock को यहाँ पे मार्केट्स खुलता है, तो जिसकी वजह से मैं रुका। अभी 10:30 हो गए, तो अराउंड 11 o'clock करोल बाग पहुँच जाऊँगा। अब 10-15 मिनट का ही जर्नी है इधर से, थोड़ा ट्रैफिक लगा तो खाली इतना ही। आज करोल बाग जा रहा हूँ डेफिनेटली, इतना कल भी बोला था करोल बाग जा रहा हूँ, लेकिन कल गया, कल लोरी होने की वजह से करोल बाग बंद था। एंड सेकेंडली मंडे को करोल बाग बंद रहता है, तो मीनवाइल मैंने इंडिया गेट घूमा, लाल किला घुमा, चांदनी चौक चला गया था पराठे वाले गली में, फिर उस हाँ फिर होटल में आ गया एंड कल रेस्ट किया। फिर डिनर के लिए वापस मैं सीपी गया था, एंड वो तो मैं सीपी का ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि सीपी में सब खाली ब्रांड्स है। मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाला हूँ आज, आज इवनिंग में, करीम करके है यहाँ पे, थोड़ा फेमस है, थोड़ा पास में ही है किधर, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। एक लकीली मैंने सेंटर में रूम लिया हुआ है, पटेल नगर, पटेल नगर ये सेंटर पड़ता है सबके लिए। हाँ थोड़ा कैब महंगा पड़ता है क्योंकि हर जगह पे मैं बाइक लेके नहीं जा सकता क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। चलो आज का ये एपिसोड स्टार्ट होता है, अभी मैं बाइक राइड अभी मोटो ब्लॉक पर मिलता हूँ आपको, उधर से करोल बाग जाऊँगा, मेरा बाइक का सर्विस करना है वो कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। सो मिलते मोटो ब्लॉक पे। टॉप बॉक्स सब निकाल दिया आपने, साइड पैनल पूरा निकाल दिया है, खाली पेट्रोल का जरीकन है जो मेरे को होटल के रूम में लेके आना सही नहीं लग रहा, इसलिए रखा। इतना देर जो बहस किया वो फ्लॉप हो गया, देखा तो ये वाला जो अडेप्टर था ये निकल के बैठा था। एक्चुअली चार्जर के बैटरी चार्ज करने के लिए मैं निकाल के चार्ज करता, चार्जर लगा के नहीं कर पा रहा था, नहीं एसडी कार्ड निकालने के लिए मैंने निकाला था तभी तो रिकनेक्ट नहीं किया। जो भी ओयो में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मेरे को ब्रेड बटर लिया था आज मैंने, ब्रेड टोस्ट, ब्रेड बटर नहीं बोलूँगा, ब्रेड टोस्ट बोलूँगा, विथ कॉफ़ी बोला था। एक घंटे के बाद मैंने 8:30 को ऑर्डर किया था, 9:30 को मैंने कॉल करके बोला मैडम अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं आया है क्या हुआ है, बोले सर मैं चेक करके बताती हूँ, और उसके बाद में मुझे पता चल रहा है 8:45 को मुझे ब्रेकफास्ट ला कर दे रहा, बोले सर बहुत ऑर्डर था इसकी वजह से लेट हो गया। सर इतना भी ऑर्डर हो आपके बिल्ट है पूरे इसके अंदर आपको टोटल आपको 25 से 30 रूम दिए, तो 30 रूम में बस आपके पास फूड का मेन्यू भी दो ही है, एक आलू पराठा है दूसरा आपका ब्रेड टोस्ट, इसके अलावा कुछ भी उधर बनता नहीं है। अगर यही चीज़ है तो क्यों नहीं आपका, क्यों इतना टाइम लगता है, पता नहीं जो भी है
मैंने ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी पी लिया है। अभी ऑन द वे हल्दीराम है, तो हल्दीराम में जाके गर्म दूध मिलता है वहाँ पे। मैं जाके हल्दीराम में गर्म दूध पीने का कोशिश करता हूँ। अगर दुकान खुल गया है तो यहाँ पे सर यार बहुत लेट खुलता है, उल्लासनगर जैसा है अपना बॉम्बे का, उल्लासनगर जैसा है 11 बजे मार्केट खुलता है यहाँ पे भी। हाँ इधर ही है शायद हल्दीराम, हल्दीराम मिल गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हल्दीराम चलो, हल्दीराम जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। हल्दीराम में अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, मटर कुलचा और चाय पिया। मटर कुलचा बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छा है। लेकिन चाय बहुत बकवास था। लेफ्ट साइड का जो मार्केट दिख रहा है वो है कार का मार्केट, और जो राइट साइड का मार्केट है वो बाइक का मार्केट, मतलब ये नहीं पीछे वाले रोड का। अब इधर ही है कुमार ऑटो वर्ल्ड। आई थिंक मुझे दिखाई दिया, टॉप विन टायर्स एंड एक्सेसरीज कुमार ऑटो वर्ल्ड। करोल बाग में हूँ, गाड़ी का सर्विस शुरू हो चुका है। ऑयल चेंज है बेसिक और एयर फिल्टर क्लीन करना है, ऐसा साफ ही एयर फिल्टर, एंड ब्रेक सर्विस करना है, चेन टाइट करना है, बस बाकी कुछ नहीं। चलो एयर फिल्टर, एयर फिल्टर एकदम साफ ही निकला है, बिल्कुल गंदा नहीं है, खाली हवा मारवाना है। अब ऑयल कितना निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। 300 V2 यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 बार से, तीनों बार यही प्रॉब्लम फेस हुआ है। अभी देखो गाड़ी में से मुश्किल से 200 से 300 लीटर 1.2 या 1.3 ml ऑफ ऑयल ही निकला हुआ है। ये बहुत गलत है, डिसअपॉइंटिंग है। 4000 किलोमीटर नहीं चला। 300 V2 सबसे बेस्ट ऑयल बोला जाता है, मशीन ऑयल है। 300 V यूज़ किया, बहुत अच्छा था। 300 V2 पे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा हो कि ऑयल का इवेपरेशन ज़्यादा है। सिंथेटिक है ये, सिंथेटिक नहीं ऑर्गेनिक ऑयल है, प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है। प्योर ऑर्गेनिक ऑयल का इतना ज़्यादा बर्नआउट होना और ब्लैक निकलना इज़ नॉट गुड आइडिया। अब इस बार इसके लिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ लिक्विड मॉली, भैया ने बोला अरेंज करते हैं, अगर लिक्विड मॉली मिल गया तो नेक्स्ट रिव्यू दे पाऊंगा उसके बारे में। पल्सर को पूरा मॉडिफाई किया हुआ है भाई ने। नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन। कुमार ऑटो सेंटर, अभिनव भाई उससे बात करने के बाद मालूम पड़ा यहाँ पे करोल बाग में थोड़ा स्टैंडर्ड दुकान है ये, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट आइटम बिकता है। ये सस्ता आइटम बेचने के पीछे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत अच्छा बात हुआ। गाड़ी का सर्विस कंप्लीट होने के बाद में जस्ट मैं व्हील अलाइनमेंट जरा चेक कराया तो आड़ा टेढ़ा घूम रहा था पूरा, तो दोनों टायर निकाल के भिजवा दिया है।
अलाइनमेंट के लिए, यहाँ पे मैन्युअली अलाइनमेंट होता है जो बहुत ज़रूरी है, मशीन अलाइनमेंट से सही ये होता है। यहाँ पे इन्होंने टेम्पररी बुलेट का टायर लगा के खड़ा कर दिया है गाड़ी को। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका गाड़ी चलेगा नहीं प्रॉपर, और आड़ा टेढ़ा चलते रहेगा, और लोड होने की वजह से और बेंड होते जाएगा। फिर बाद में रिम खराब होने से अच्छा है पहले ही उसको सही करा दो। मैंने अभी लास्ट सर्विस जब भी शोरूम में कराया था तभी मैंने अलाइनमेंट करवाया था, लेकिन शोरूम ने अलाइनमेंट नहीं किया प्रॉपरली, पैसा तो चार्ज कर लिया उसके, तो खैर बाद में देख लूँगा उनको। सर्विस कंप्लीट हो गया, इंजन ऑयल भी डाल दिया है, और अभी फाइनल बिल पेमेंट करूँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा। सो यूट्यूब के दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो। कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन एक महीने का डिले आता है। इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।